हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। हजारों साल बाद खुली गया भगवान श्री कृष्ण की द्वारका का रहस्य, हजार साल बाद खुला रहस्य, पानी के नीचे मिला द्वारका का खोया स्वर। अर्जुन ने महाभारत में कहा है कि द्वारका सिर्फ एक नाम था, सिर्फ एक स्मृति जो समुद्र में आंखों के सामने समा गया था। भारत में भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में कौन नहीं जानता, सभी कृष्ण भगवान को द्वारकाधीश के नाम से जानते हैं। दरअसल भगवान द्वारका के नरेश थे और इसी कारण उनका नाम द्वारकाधीश पड़ा। आज हम आपको भगवान कृष्ण को होने का ऐसा सबूत देंगे जिसे आप सिर्फ किताबों में देखते नहीं बल्कि इसे आप सामने से देख सकती हैं। जैसे कि भारत क्षेत्र के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका एक प्राचीन शहर है। आपको बता दें कि यह शहर धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए आज आपको हम द्वारका के रहस्य के बारे में बताते हैं। द्वारका मंदिर के शानदार स्थापत्य की योजना ने दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित किया है। अपने गौरवशाली अतीत के दौरान द्वारका में सुंदर उद्यान, कई तालाबों और महलों की एक शहर था, लेकिन यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण लापता होने के साथ ही यह शहर भी जलमग्न हो गया था। द्वारका महाभारत में अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण हमेशा वैज्ञानिकों के अलावा पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल सभी इसका रहस्य जानना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को मार अपने नाना को मथुरा का राजा बनाया। वहीं मथुरा पर जरासंध मगध का राजा और उसका दोस्त काल्यावन ने मिलकर मथुरा पर कुल 17 बार हमला किया था। तब कृष्ण भगवान ने अपने लोगों के सुरक्षा के लिए जादू से सलाह कर मथुरा से राजधानी हटाकर द्वारका को बनाया गया। श्री कृष्ण और जादुओं ने मथुरा छोड़ दिया और सौराष्ट्र के तट पर जा पहुँचे, तटीय क्षेत्र में अपनी राज्य बनाने का फैसला किया, जिसके लिए विश्वकर्मा निर्माण के देवता ने समुद्र देवता की मदद मांगी। समुद्र देवता ने बेहद खुश होकर भगवान की सहायता की और उन्हें दिया 12 योजना माप कर भूमि दे दी राज्य को बनाने के लिए। वहीं यह भी कहा कि विश्वकर्मा भगवान ने एक सोने से एक शहर का निर्माण किया, द्वारका का जलमग्न होना। भगवान कृष्ण ने महाभारत के अंत में अपने निवास को त्याग दिया था। इसके बाद अधिकतर यादव खुद में लड़कर मर गए थे और फिर वह समय आया सब द्वारका समुद्र में जलमग्न हो गया। आपको बता दें कि अर्जुन ने खुद महाभारत में इस बात की व्याख्या की है। अर्जुन ने कहा है कि मैंने खूबसूरत इमारतों को एक के बाद एक जलमग्न होते हुए देखा। कुछ क्षणों के एक मामले में यह सब खत्म हो गया था और वह समुद्र कुछ प्रकार उसके बाद शांत हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। द्वारका सिर्फ एक नाम था, सिर्फ एक स्मृति। द्वारका की खोज, द्वारका के उस हिस्से को 1983 और 1990 के बीच खोज लिया गया था। आधे मील से भी अधिक बड़ा है द्वारका का हिस्सा जिसकी खोज की गई थी। यह हिस्सा भारत से बहुत दूर समुद्र के भीतर है। यह भी कमाल है कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित द्वारका शहर के सामान्य लेआउट समुद्री पुरातात्विक यूनिट द्वारा खोज लिया गया था। डॉक्टर एस आर राव के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत अपने काम से बाहर किया जो भारत की पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI इस प्रकार निर्माण की गई वृत्त चित्र वर्ष 2001 में जिसे वृत्त चित्र TV Asia पुरस्कार 2002 में मिला।